नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से घर में बैठ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे सिख धर्म और सिख संप्रदाय के बारे में, और देखेंगे कि सिख धर्मों की शुरुआत कैसे हुई थी और सिख धर्मों में कौन कौन से गुरु हुए और सिख धर्म के संस्थापक कौन रहे। तो आज सारी बातों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और सिख धर्म से रिलेटेड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सिख धर्म के बारे में या सिख संप्रदाय के बारे में कि सिख धर्म है क्या और उसको क्यों शुरू किया गया। तो सिख धर्म की शुरुआत दक्षिण एशिया, मतलब दक्षिण एशिया कहां पड़ेगा, तो वो भारत के पंजाब प्रांत से शुरू हुआ। और एक्चुअली सिख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शिष्य होता है। शिष्य का मतलब कि ऐसा शिष्य जो अपने गुरु के जो शिक्षा है और उनका जो लेखन है, जो पुस्तक में उन्होंने अपने उपदेश को लिखित दिए हैं, उसको मानना और उसको पालन करना। तो सिख का यही मतलब है, सिख का मतलब है शिष्य जो कि अपने गुरु के लेखन और शिक्षा को माने या पालन करे। तो इसी से सिख धर्म का उदय हुआ। तो सिख धर्म का उदय भारत के दक्षिण एशिया के भारत के पंजाब प्रांत से हुआ। अब ये क्यों शुरू हुआ और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 13वीं शताब्दी के शुरू से ही पंजाब में मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो गई थी, और दिल्ली सल्तनत काल जब शुरू हुआ था तो उस समय भी पंजाब के क्षेत्रों में मुसलमान शासकों का आधिपत्य था, और मुसलमान शासक चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इस्लाम धर्म को कबूल करें, चाहे वो लोभ लालच देकर के कबूल करवाते। अगर कोई लोभ लालच या पैसे के बल पे कबूल नहीं करते थे तो वो फिर जबरन धर्म को इस्लाम धर्म में दूसरे धर्म के लोगों को परिवर्तित करवाते थे। और इसी से जो दूसरे धर्म के लोग थे वहां पे पंजाब के क्षेत्रों में, वो इसका विरोध करना और विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सिख धर्म का उदय हुआ। तो यही हमने लिखा कि 13वीं शताब्दी से ही पंजाब में मुस्लिम राज्यों की स्थापना हुई, और इस स्थापना से क्या हुआ, तो मुस्लिमों को उचित स्थान, जो मुस्लिम ऑलरेडी थे उसको, जो वहां के शासक रहते थे या दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी शासक थे ज्यादातर मुस्लिम ही हुए, तो वो सारे शासक उन मुस्लिमों को उचित स्थान देते थे और अन्य धर्म के लोगों को उतने अच्छा स्थान नहीं देते थे या फिर उन लोगों को प्रताड़ित करते थे। तो इसी कारण से वहां के लोगों में अपने आप जो हीन भावना जागने लगी, चाहे वो हिंदू हो या अन्य कम्युनिटी के लोग हो, वो उसका विरोध करने लगे। उसके अलावा भी जब दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो गया और मुगल शासन शुरू हुआ, तो मुगल शासन जो रहा 1556 से 1707 ईस्वी में, जो मुख्य मुगल काल रहा, उसके दौरान भी मानव अधिकार की हिफाजत के लिए संघर्ष वहां के लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि वहां जो जितने भी शासक जैसे कि औरंगजेब आए तो वो जबरन चाहते थे कि दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया जाए, और इनका विरोध जो गुरु थे सिख गुरुओं ने करना शुरू किया, और इसी में कुछ सिख गुरु अपना बलिदान भी दिए इसी क्रम में। तो सिख धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले गुरु नानक देव जी से हुई थी। टोटल 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहला गुरु जो था वो गुरु नानक देव जी थे। यह पहले भक्ति प्रधान थी, जो सिख धर्म की शुरुआत हुई थी वो भक्ति प्रधान थी, लेकिन बाद में जो छठे गुरु थे इस धर्म को मार्शल का रूप दिया, क्योंकि जो भक्ति प्रधान थी तो उसके कारण क्या हुआ था कि जो मुसलमान शासक थे उन गुरुओं को अगर इस्लाम धर्म नहीं कबूल होता था तो उसको हत्या करवा दी जाती थी। तो अपने रक्षा के लिए फिर इस धर्म में जो छठे गुरु थे वो इस ग्रुप को मार्शल का रूप दिया, यानी कि उस धर्म के में सेना या सैनिक रखने की इजाजत दी गई। यह विश्व का नौवां बड़ा धर्म है, सिख धर्म विश्व का नौवां बड़ा धर्म है। और मैंने पहले ही बता दिया कि सिख का मतलब है शिष्य, मतलब 10 गुरुओं के लेखन और शिक्षा का पालन करना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख बातें थे सिख धर्म और सिख संप्रदाय के बारे में। अब चलिए एक एक करके हम लोग 10 गुरु के बारे में जानेंगे, उनको समझेंगे। तो पहला गुरु जो थे वो गुरु नानक देव जी थे, जो 1469 में जन्म जिनका हुआ था और 1539 में उनका देहांत हो गया था। तो इनका शासनकाल कैसा रहा और इसने क्या क्या प्रथाएं शुरू की? तो जन्म 15 अप्रैल
1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था, जो कि लाहौर में है, आधुनिक काल के पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो तलवंडी में हुआ था और जहां पे उनका जन्म हुआ था, बाद में उनको ननकाना साहिब के नाम से उस क्षेत्र को जाना गया और वहां पे सिखों का एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है जिसको ननकाना साहिब गुरुद्वारा भी कहते हैं, जहाँ पे सिख धर्म के लोग वहां पे जाते हैं। मृत्यु इनकी करतारपुर में हुई थी, जो कि 1539 में हुई थी। और फिर करतारपुर में भी एक सिख का बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है जहाँ पे सिख लोग अपने उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। पिता का नाम गुरु नानक जी के जो पिता थे उनका नाम कल्याण चंद जी थे, या फिर उनको मेहता कालू जी भी कहते थे। माता उनकी तृप्ता थी, यानी माता का नाम तृप्ता था। पत्नी जो उन्होंने शादी की जिस महिला के साथ, उनका नाम सुलक्षणी था। और इनसे सुलक्षणी देवी से इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। ठीक है दोस्तों, दो पुत्र हुए कौन कौन, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। 1496 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन्होंने इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन से हम लोग कार्तिक पूर्णिमा मनाना शुरू कर दिया। और गुरु नानक साहब का ये कहना था कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सभी एक ही ईश्वर के संतान है। इसीलिए उन्होंने एक ओमकार का नारा दिया कि एक ओमकार मतलब सबका ईश्वर एक ही है और हम सब उसके संतान में है, हम सब उसको माने। यहाँ पे क्योंकि उस समय हिंदू और मुस्लिम का कट्टरता बहुत बढ़ गया था, आपस में द्वेष बढ़ गया था और मुसलमान जो शासक थे मुस्लिमों को फेवर करते थे। तो इसी बुराई और कुरीतियों को दूर करने के लिए गुरु नानक साहब ने एक नया धर्म का उदय करवाया जो कि सिख धर्म के रूप में जाना गया। इन्होंने गुरु नानक साहिब ने संगत जो कि धर्मशाला और पंगत लंगर लगाने की व्यवस्था स्थापित की। मतलब हुआ कि लंगर जो एक साथ बैठ के खाना खाया जाए और संगत जो गुरुओं के साथ, जो धार्मिक गुरु है उनके साथ अच्छे विचारों का आदान प्रदान के लिए एक साथ बैठा जाए, उनसे बातचीत किया जाए, अच्छे विचारों को ग्रहण किया जाए, बुरे विचारों को दूर किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने संगत की प्रथा चलाई। और पंगत जो कोई भी आदमी साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ, क्योंकि जो इस धर्म को मानेंगे वो सब एक अलग धर्म सिख धर्म के हो जाएंगे। तो संगत और पंगत की व्यवस्था इन्होंने शुरू करवाई। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा गुरु नानक देव जी के बारे में जो कि पहले गुरु थे। आइए देखते हैं दूसरे गुरु के। तो दूसरे गुरु जो कि गुरु अंगद जी थे, कौन थे दोस्तों, गुरु अंगद जी, जो 1539 से 1552 तक गुरु के गद्दी पे रहे। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी में फिरोजपुर पंजाब में हुआ। कहाँ पे दोस्तों, फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी में गुरु अंगद जी का जन्म हुआ। इनके पिता कौन थे, फेरू जी, कौन थे, फेरू जी, और वो पेशे से एक व्यापारी थे। माता का नाम रमा जी थी, माता कौन थी, रमा जी। इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लहिना जी था, लहिना जी। और ये जो थे गुरु अंगद जी वो गुरु नानक देव जी के प्रिय शिष्य थे और प्रिय शिष्य होने के कारण इन्होंने गुरु नानक जी को 7 साल सेवा की और इनकी सेवा और समर्पण को देखकर गुरु नानक जी अपने दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद को छोड़ के गुरु अंगद जी को गद्दी सौंपा। ठीक है दोस्तों, इनके सेवा और समर्पण को देखते हुए, जो कि उन्होंने 7 साल तक अपने गुरु नानक देव जी की सेवा की थी, इसी को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने इनको अपनी गद्दी सौंपी। गुरुमुखी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरू किया, जो पंजाबी भाषा का जो गुरुमुखी लिपि है वो गुरु अंगद जी ने ही शुरू किया। और इन्होंने जात पात का भेद हटाकर लंगर प्रथा को अस्थाई रूप से शुरू कर दिया, जो कि लंगर प्रथा का स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था, उस प्रथा को वो अस्थाई रूप से एक सिख धर्म में शुरू कर दिया कि लंगर प्रथा अस्थाई रूप से सिख धर्मों में चलती रहेगी। तो उसमें जात पात, कोई भी जात कोई भी पात का व्यक्ति उस लंगर में आके खाना खा सकते हैं। इन्होंने पंजाबी भाषा की शुरुआत भी की। तो ये हमारे गुरु अंगद जी के बारे में था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट गुरु, तीसरे गुरु को। तो तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी, जिनका शासनकाल 1552 से 1574 के बीच में रहा। 61 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गुरु अंगद को बनाया। जो गुरु अमरदास जी थे वो अपने उम्र के 61 वर्ष में गुरु अंगद को अपना गुरु बनाया और उनकी खूब सेवा की। और इनकी खूब सेवा करने के भाव और लगन को देख करके गुरु अंगद जो कि दूसरे गुरु थे, उन्होंने अपनी गद्दी उनको सौंप दी कि आगे सिख के गुरु वही रहेंगे।
गुरु अमरदास जी ने अपना गद्दी गोविंदवाल में स्थापित करवाया। इसके बाद क्या हुआ कि गुरु अमरदास जी सती प्रथा का विरोध भी किया और अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को उसने बढ़ावा भी दिया। और कहा जाता है कि अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी, जो अमरदास जी की पुत्री थी बीबी भानी, उसको 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और अमरदास जी का जो निधन है वो 1 सितंबर 1574 ईस्वी का हो गया। तो अब जब उनका निधन हो गया तो नेक्स्ट गुरु जो बने वो उनके दामाद थे, जो कि बीबी भानी के पति थे। तो नेक्स्ट गुरु रामदास जी थे, जिनका कार्यकाल 1574 से 1581 के बीच में रहा, क्योंकि 1574 में गुरु अमरदास जी का देहांत हो गया। तो ये गुरु अमरदास जी के कौन लगे? दामाद थे, ठीक है दोस्तों। और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में ही गुरु अमरदास जी के माता पिता का देहांत हो गया था और वो अपने नानी के साथ रहने लग गए थे। यही हमने यहाँ पे लिखा कि देहांत हो गया था, तब से भी अपने नानी के साथ रह रहे थे। 1577 ईस्वी में इन्होंने 500 बीघा जमीन में अमृतसर सरोवर नाम का नगर बसाया। जो 500 बीघा जमीन अकबर ने बीबी भानी को दान में दिया था, उसी 500 बीघा जमीन में इन्होंने एक अमृतसर सरोवर नाम का एक नगर को स्थापित किया और उस नगर के बीच में एक सरोवर का निर्माण कराया, जिसका नाम अमृत सरोवर था और नगर का नाम भी अमृत सरोवर नगर रखा गया, ठीक है दोस्तों। और इसी नगर को बाद में चलकर अमृतसर नाम से जाना गया, जिसको आजकल हम लोग अमृतसर जानते हैं, तो जिन्हें आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना गया। अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे, जो रामदास जी थे उनका अकबर जो थे, जो मुगल शासक थे, वो बहुत ही सम्मान करते थे। और इन्हीं के कहने पे पंजाब का 1 साल का जो लगान था वो पूरा अकबर ने छोड़ दिया था। तो यही हमने लिखा कि इसीलिए इनके कहने पे पंजाब में 1 साल का लगान अकबर ने माफ कर दिया था। तो ये गुरु रामदास जी के बारे में था दोस्तों। अब नेक्स्ट गुरु देखते हैं कौन बने। तो पांचवें गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव जी थे, जो जिनका जो शासन काल रहा था वो 1581 से 1606 ईस्वी। आप दोस्तों 1 से 2 बार इसको आप आराम से देखिएगा तो सारे गुरुओं का शासन काल आपको याद हो जाएगा। और शासन काल तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल मोटा मोटी आपको ये याद क्रमशः याद रखना है कि किस गुरु के बाद कौन सा गुरु बना था। तो गुरु अमरदास जी के बाद जो गुरु बने थे वो गुरु अर्जुन देव जी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। अब ये गुरु अर्जुन देव जी कौन थे? तो ये रामदास जी के पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। गुरु अर्जुन देव जी थे वो रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। जो अमृत सरोवर रामदास जी बनवाए थे उसी के मध्य में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया सिखों के लिए, जिसको हरमिंदर साहिब के नाम से गुरुद्वारा कहा गया और जिसको हम लोग आजकल गोल्डन टेम्पल के रूप में जानते हैं। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें जो गुरुओं थे, इससे पहले 5 गुरुओं के जो उपदेश थे उसमें संकलित किया गया था। उसके अलावा सिख के 5 गुरु के अलावा 18 हिंदू भक्त के भी उपदेश उसमें संकलित किए गए हैं। इसके अलावा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, इस सब के जो उपदेश थे, इन सब के जो अच्छे वचन थे या उनके जो शिक्षा थी, उन सबको आदि ग्रंथ में संकलित किया गया और ये काम गुरु अर्जुन देव जी ने किए थे, ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के बाद से कि गुरु आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाने लगा। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा, अर्जुन देव जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह के रूप में घोषित किया। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नाम के नगर को बसाए। गुरु अर्जुन देव जी तरन तारण और करतारपुर नाम के नगर को बसाए। इन्होंने मनसद प्रथा भी चलाई। अब मनसद प्रथा क्या है? तो मनसद प्रथा ये था कि गुरु अर्जुन देव जी का कहना था कि हर सिख को अपने कमाई का 1/10 भाग, मतलब एक अपने कमाई का 1/10 भाग दान देना चाहिए। तो इसी को उन्होंने मनसद प्रथा का नाम दिया था। तो इन्होंने मनसद प्रथा चलाई थी, जिसमें कमाई का सिख जो है वो अपने कमाई का 1/10 भाग दान करेंगे गुरुद्वारे में या जहां कहीं भी। जहांगीर के पुत्र खुसरो से बगावत में सहायता करने के लिए
30 मई 1606 को उन्हें फांसी दे दी। अब उस समय जो तत्कालीन मुगल शासक थे जहांगीर, तो उसका एक पुत्र था खुसरो, जो कि जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह करना शुरू कर दिया। और उसके विद्रोह में जो बाबा अर्जुन देव जी थे, वो अर्जुन देव जी खुसरो की मदद करने लग गए। इसी कारण से जहांगीर उससे नाराज हो गए और उसको दोषी मानते हुए 30 मई 1606 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पांचवा गुरु थे अर्जुन देव जी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो पांच गुरु है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो पर आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है कि पंजाब में अमृतसर नगर किसने स्थापित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु अमरदास ने, सी गुरु अर्जुन देव ने, डी गुरु रामदास ने। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।